देखो जिहड़े बंदे कहिंदे सन ना विआह तों पहिलां कि असीं नत्थ पा देंगे लाशां विछा देंगे फिर महीना कु लंघदा मेरे हर घर बेगम दे बैड दियां चादरां विछांदे हुंदे सारे ही घरों करी रणमरीत ने मनदा कोई भी नहीं मेरे छोटे भरा ने जदों मेरी बेगम नूं मारिया ना तीन दिन मेरा अंदरों दिल रोंदा रे माँ प्यो फौत हो गए सारा महला आके दिलासे दिंदा कि असीं तेरे माँ प्यो वां ना रो जनानी फौत हो गए महल च कोई बीबी आँदी मैं तेरी जनानी आंदा कि बड़े बेदर्दी यार ने बेवफाई कर भी तो जाते हैं तो जड़े डरते ने दिने डडुआ को राती नदियाँ तर भी तो जाते हैं जिन्ना बदलों के नहीं होंगे इतबार वह बदल वर भी तो जाते हैं कि होया जे तू सानू छड़ के टुर गई लोगों के मर भी तो जाते अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आपका नाम क्या है मोहम्मद अली उर्फ पी के रणमरीत अच्छा मुझे ये बात बताएं ये आपको रणमरीत क्यों कहते हैं लोग मैडम जी वेखो जड़े बंदे कहते हैं ना विआह तो पहला कि असी नत्थ पा देंगे लाशां विछा देंगे फिर महीना कु लंघदा मेरे हर घर बेगम दे बैड दियां चादरां विछांदे हुंदे सारे ही घरों करी रणमरीत ने मनदा कोई भी नहीं मैं जरा सिर्फ सोशल मीडिया से हिट हो गया उन्होंने कहा जी पी के रणमरीत मतलब फेमस हो इस नाम तो चार पाँच दिन हो गए बाहर ही नहीं उतर रहे ना सारे पाकिस्तान के डॉक्टर अजमा के वेख लेने मेडिसन खा दी कोई फर्क नहीं पाया राती बेगम के नीम गर्म पानी ना पैर धो के बिच दो चमचियाँ रूह अफजा शरबत सुट के पीता आराम आ गए बाहर उतर गए तो तुम अपनी बेगम ने भी टिकटॉक दे लेंदे हो नहीं 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 आते तो फिर किमें लोगों को दसते हो कि मैं रणमरीत हाँ या फिर मैं अपनी बीवी की इन्नी खिदमत करना वा लोगों पता है कि रणमरीत तो मेरे छोटे भरा ने जो मेरी बेगम ने मारिया ना तीन दिन मेरा अंदरों दिल रोंदा रे आपकी ये दुखी दास्तान सुन के मेरे आंसू निकल आए मैं नहीं रोंदा मेरा अंदरों दिल रोंदा माँ प्यो फौत हो गए सारा महला आके दिलासे देंदा कि असी तेरे माँ प्यो वां ना रो जनानी फौत हो जाए महल्ले कोई बीबी आँदी मैं तेरी जनानी बंदा दूसरी जनानी गल वे नहीं सही गलत गल है एक ना नहीं प्यार पाया एको जनानी जिन्ना तुसी मुहब्बत करते मेरा ख्याल है वो डंडे में तेल ला के कुटदी होनी हाँ कल मैनू घरों बेगम ने ठुडे मारे लत्तां मारियां ने बाहर मैं गया गली च मुंडा कहिंदा पी के साहब आओ तुहानू नाश्ता करावा मैं क्या मैं वड्डे पावे खा गया अच्छा तो बेगम ताड़ी यह नहीं कहती कि तुम एवें ना करया करो कि मतलब मैं बदनाम होव इस तरीके ना लोग मैं गलत तरीके गलत अल्फाजा च मतलब याद करें नहीं नहीं ए हूँ कि सर्दी है दो बजे सुती उठती बेगम नाश्ता बैड तो देना वा बर्तन आप धोना तो बच्चों स्कूले मैं छड़ के आना पैंपर मैं चेंज करने बेगम न कम नहीं कराना बेगम दिंदा जी बेगम बेगम माँ प्यो फिर लभ जाता जनानियाँ कितों लभदी माँ प्यो फिर किमें लभ जाता दस माँ प्यो दसिया कि सारा महला कहता असं तेरे माँ प्यो माँ प्यो फौत भी हो जनानी को महल च बनती कि मैं तेरी जनानी जो अपने माँ बाप है ना वो अपने होते हैं वो तो आड़ी गल सही है पर असल माँ प्यो सस सौर ही होंगे सस सौर ही होंगे कभी इंज होया कि बेगम को तुम मार खा लेंगे सस सौर को भी कभी मार खाधी हो हाँ जी कल मैं अपने ना ससुराल गया वा तो मेरी सस तो मेरा सहुरा कहता पुत्र कद्दू शरीफ पकाइए पालक शरीफ पकाइए कि गोभी पकाइए मैं क्या तिने चीज़ा रहन दो इन्हों का नाम ही वजू लैके करना लैना पैंता तुम बहर गली जाओ को वारा जहा महल चो बगैरा जहा कुकड़ फड़ के मैं देसी पका खुआ फिर पका खुआया हाँ जी बड़ा मज़ा है अच्छा वो सिर्फ कुकड़ का नाम लैके पकाता से कुकड़ फड़ के भी लिया नहीं नहीं वो चोरी का नहीं है उन्हों का अपना ही शिकार का कोई होर टैलेंट है ताड़े च हूँ मैं तुम्हें टैलेंट दसिया तो है कि मैं रणमरीत इदू वड्डा रणमरीत केड़ा पाकिस्तान कोई भी नहीं है ते की कम कर लें मैं हूँ टिकटॉक से लाइव चला रहा वा फिर मैं स्नैक से लाइव बैठना वा फिर मैं बीगो स्टार्ट की फिर फेमस होने तो पहला मैं रिक्शा चला रहा तो हूँ मतलब जोड़ा तुम अकाउंट यूज़ कर टिकटॉक का या फिर होर अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो अर्निंग भी स्टार्ट हो रही है हाँ जी अल्लाह का शुक्र कि पैसे अर्न कर लेंगे हूँ मैं कैमरे के सामने नहीं दस सकता फिर भी लोग कुछ आइडिया कुछ शुक्र है अल्लाह ने लाइव तो जगह भी देती मकान भी अपना बन गया अल्लाह पाक ने गड्डी भी देती हर चीज़ शुक्र है अल्लाह की जात का माशाल्लाह ते होर कोई टैलेंट है ताड़े च कोई शेरो शायरी कोई मसूकी आंदा के बड़े बेदर्दी यार ने
ਇਹ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਡੱਡੂਆਂ ਕੋਲ ਰਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਤਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਬਾਰ ਉਹ ਬੱਦਲ ਵਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਸੈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ